एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। और यहाँ पे हम लोग उसी रूम में थे, मम्मी के रूम में, और ये हैं बुआ सासू माँ जो अपने कपड़े को कुछ अरेंज कर रही हैं और अपने बैग में डाल रही थी। एक्चुअली वो हमारे से पहले यहाँ पे पहले से आई हुई हैं शादी में, तो उनके अभी शादी जो थी ना, जो मैं कल दिखाई थी, कल वाले ब्लॉग्स में, तो उसमें ही उनको कुछ कपड़े उपड़े मिले हैं, उसी चीज़ को शायद वो डब्बे में डाल के और फिर बैग में डालना था। मम्मी यहीं पर बैठी हुई थी, मम्मी को वो दिखा रही थी और हम लोग भी साइड में बैठे हुए थे, और साथ ही साथ मीनाक्षी भी बहुत परेशान कर रही थी और स्पर्श तो कुछ ज़्यादा ही, क्योंकि पापा तो थे नहीं। स्पर्श को मैंने ना बाहर भेज दिया था इनके पास। इनके पास था तो थोड़ा बहुत शांत रहता था, लेकिन अंदर जब आता था तो उसकी डिमांड बढ़ जाती थी, ये चाहिए वो चाहिए, और फिर दादाजी के पास जाना है। बाहर जितनी देर था उतनी देर चलो शांत था, ठीक था। तो अभी मैं इनको कॉल की थी कि आप स्पर्श को अंदर लेके आओ, मैं उसको कुछ खिलाऊंगी पिलाऊंगी। उसके बाद यहाँ पे मम्मी नीचे मैट बिछा हुआ है, यहीं पे बैठी हुई हैं, और मीना भी, और अभी मीनाक्षी भी सोई हुई थी, अभी अभी वो सो के उठी है। और दो तीन कमेंट्स ऐसे आए हुए थे कि मीना कौन है। तो मीना, आप लोग अगर पहले से मेरे ब्लॉग्स नहीं देखते हैं, अभी अभी अगर आप लोगों ने मुझे ज्वाइन किया है तो मैं बता दूँ, मीना मेरी देवरानी है। और वैसे तो मैक्सिमम लोग सब लोग जानते ही हैं, बट कुछ लोग जो नए नए चैनल को सब्सक्राइब करते हैं उन्हें नहीं पता होता है। तो यहाँ पे बुआ जी बैठी हुई थी और कुछ मम्मी से बातें भी कर रही थी, और बस यहाँ पे देखिए मीनाक्षी के कपड़े अभी चेंज हो रहे हैं, क्योंकि जो पहले पहन रखी थी उसमें काफ़ी उसको परेशानी हो रही थी और थोड़ा बहुत उसने गीला भी कर लिया था। तो पैंट वगैरह हल्के कपड़े अभी मीना डाल रही है। वैसे तो उसके कपड़े तो दो तीन सेट लेके आए हुए थे, क्योंकि दिन भर हमें रहना था, रात में भी हो सकता है कि हम रुक जाए, ऐसा था, तो इसी वजह से। और यहाँ पे युवराज बैठे हुए हैं मीनाक्षी के पास। और अभी मीनाक्षी ट्रॉली में से चीज़ें निकाल रही थी, क्योंकि अब थोड़ा बहुत वो आगे पीछे होने लगी है। और कुछ लोग के ये कमेंट्स थे कि मीनाक्षी कितने दिन की हो गई, तो बस वो अभी साल की होने वाली है, नेक्स्ट मंथ जनवरी में वो एक साल की हो जाएगी। तो स्पर्श को ये लेके अंदर को आए हैं और बोल रहे थे कि उसके कपड़े चेंज कर दो, जीन्स चेंज कर दो, लोअर डाल दो, तो बस वो अभी आया हुआ था, तो मैं उसको लोअर अभी वन रुपीज़ दे दो मम्मा को, माउथ में डालोगे, सूज बाहर है ना आपका, जाओ। और यहाँ पे स्पर्श को अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम ऐसे गांव में रहने के लिए आया था। वैसे तो हमें ज़्यादा टाइम रहना नहीं था, लेकिन वो कंफर्ट फील नहीं कर रहा था यहाँ पे। उसको बच्चे का होता है ना कि जहाँ रहते हैं वहीं पे मन लगता है, बट यहाँ भी आना तो ज़रूरी है जब हमारा यहाँ पर घर है। तो बस उसको शूज़ पहना के फिर से बोल रहा था कि फिर से बाहर ही जाऊँगा, नहीं तो दादाजी के पास जाऊँगा। तो वो शूज़ पहन के अभी फिर से वो जा रहा है बाहर। उसके बाद हम अभी आ गए हैं ऊपर में फर्स्ट फ्लोर पे, जो मैंने बताया था ना कि मेरा बेडरूम है, तो यहीं वाला मेरा गांव वाला बेडरूम है। इसमें कुछ भी नहीं है, बस एक बेड पड़ा हुआ है, और देख सकते हैं ये तो हमने नहीं लगाया है, बस ऐसे ही ये लगा हुआ है। और यहाँ से विंडो से मम्मी बाहर देख रही थी, क्योंकि इधर एक ना घर बना हुआ है, तो वही मम्मी दिखा रही थी मीना को, और इधर क्या क्या है वो भी हम देख रहे थे। तो बस जब मेरी शादी हुई थी ना, तो इसी रूम में मैं आई थी, उसके बाद में फिर देवरिया चली गई थी। उस टाइम पे तो यहाँ पे चीज़ें थी, सामान था, बट अभी देख सकते हैं पूरा खाली है, कहीं भी कुछ भी नहीं है, बस बेड एक पड़ा हुआ है, और बक्से वगैरह थे वो भी सब देवरिया चला गया, क्योंकि हम यहाँ पर रहने के लिए आते नहीं हैं। बस बहुत दिनों बाद मैं भी आई हूँ, जब साधना की शादी हुई थी तब मैं यहाँ पर आई थी कुछ दिनों के लिए, मतलब 4-5 दिनों के लिए, उसके बाद फिर मैं उसके बाद अभी आई हूँ। तो बस यहाँ पर हम लोग इस रूम में आए हुए थे, क्योंकि जो नई दुल्हन आई हुई हैं उनकी मुंह दिखाई थी, और हमें सामान देना था, जो भी चीज़ें मुंह दिखाई में देते हैं वो देना था, तो वही मैं यहाँ पे आई हूँ साड़ी लेके, और मम्मी को जो देना था और मीना को जो देना था, वह इसीलिए हम लोग ना थोड़ा सा यहाँ पे वेट कर रहे थे। बस
हम लोग बात कर रहे थे कि नेक्स्ट डे मतलब हम 2-3 दिन बाद फिर से यहाँ पे आएंगे, तो मम्मी से वही बात कर रहे थे कि अब यहाँ पे कुछ चीज़ें रखनी चाहिए, क्योंकि अगर हम 1 दिन के लिए भी आते हैं तो ज़रूरत तो पड़ ही जाती है, और हम लोग के पास कुछ भी नहीं था। और ये जैसे बेड के गद्दे वगैरह होते हैं ना, ये भी सब देवरिया चला गया था, तो यहाँ पर कुछ था नहीं। तो बस यही सोच रहे थे ना कि कुछ चीज़ें अब हमें यहाँ पर ला के रखनी चाहिए, अगर हम 1 या 2 दिन के लिए कभी भी आएँ, 2 साल बाद भी आएँ, 3 साल बाद भी आएँ, अगर चीज़ें रहती हैं तो बच्चे भी ठीक से रहते हैं या फिर हम भी आराम से थोड़ा सा रहेंगे। और अभी हो गया है रात का टाइम, और यहाँ पे मिक्सर ग्राइंड में मसाला को ग्राइंड किया जा रहा था, क्योंकि एक और शादी है तो उसके लिए यहाँ पे तैयारियाँ चल रही थी। और हम लोग रात में भी ना अभी जाएंगे नहीं, क्योंकि एक बर्थडे पार्टी है मेरी ननद का, तो उसको अटेंड करना है, उसके बाद हम लोग जाएंगे। बस केक वेक काटना है, तो सब लोगों ने बोला कि केक कट जाएगा, उसके बाद फिर जाना, तो रात हो जाएगी, हमें 11-12 तो बजना ही है। बाद सुबह जो दुल्हन आई थी उस शादी की कुछ रस्में यहाँ पे रह गई थी, तो अभी वो शुरू होने वाली है। बस ये शादी की लास्ट रस्म है। मुझे आरती उतारा ले को सिला राताना, मुझे आरती उतारा को सिला राताना, मुझे आरती उतारा ले को सिला। तो यहाँ पे जो रस्में थी वो चल रही है, और यहाँ जहाँ पे ये पुआल दिख रहा है ना, इसके नीचे हमारे जो गांव वाला घर है उसके जस्ट सामने एक कुआं है, तो वहीं पे ये पूजा हो रही थी, जो भी चीज़ें थी। और बस सारी जो घर की औरतें थी वो लोग यहीं पे खड़ी थी, गीत वीत हो रहा था, और मैं भी मम्मी बुला के लेके आई कि तुम भी चलो, क्योंकि मीना को मीनाक्षी परेशान कर रही थी तो वो आई नहीं थी, वो अंदर ही थी। फिर किसी ना किसी को तो मम्मी के साथ आना था, तो फिर मैं यहाँ पर चली आई। कैसे के लवलाना बरहे बरिस के माता हमारा उमारिया किली से मरनीना, हे रावण सन राजा से मरनीना। तो फ्रेंड्स, इस ब्लॉग को ये पेंट करती हूँ। ब्लॉग अगर अच्छा लगे तो प्लीज आप लोग लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आप नए आते हैं तो। और मैं अभी आज से मेरे सेकंड चैनल पे भी डेली वीडियोस आया करेगी, सो आप मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब करने ला, लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा सेकंड चैनल का। फिर मिलती हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।